दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वैसे ही रक्त में कीचड़ बहुत हो गया, माने कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता, जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता, स्लो हो जाता है, कम जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाए कि रक्त बिल्कुल गाढ़ा हो गया, एकदम थिक हो गया, तो वो इंसुलिन बैठ जाता है वहीं पर और ग्लूकोज को लिए रहता है अपने साथ, ग्लूकोज उसके ऊपर बैठता है, इंसुलिन वहीं बैठ जाता है। तो वो बैठा हुआ इंसुलिन है जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है, जब भी आप चेक कराएंगे ना तो ग्लूकोज आ जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है। अब आप ध्यान रखिए, ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के साथ कनेक्शन है, हमेशा याद रखिए इस बात। डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं कोई, क्यों नहीं बताता? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में है, मैंने बता दिया इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले, आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ऐसे कहेगा हो ये तो ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना, जिंदगी भर ये टेबलेट खाना। अब जिंदगी भर ही खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो? जिंदगी भर तो खाना खाना पड़ता है, जिंदगी भर तो दाल खाई जाती है, सब्जी खाई जाती है, इंसुलिन थोड़ी खाया जाता है। इंसुलिन तो है हमारे शरीर में, बाहर से फिर क्या करते हैं? तो बाहर से जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है ये थोड़ा काम कर देता है, क्योंकि ये नया नया है, थका हुआ नहीं है, ये जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है, ग्लूकोज को पहुंचा देता है, लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो खत्म हो जाता है, साइकिल नहीं बना पाता। साइकिल तो वही इंसुलिन बनाएगा जो आपकी पैनक्रियास से निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, डायबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रक्त का कोलेस्ट्रॉल घटे, और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल घटेगा खून पतला होने लगेगा, ये इंसुलिन ही ग्लूकोज लेके जाने लगेगा अंदर जो नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो डायबिटीज के पेशेंट को भी वही करना है जो हर्ट के पेशेंट को करना है। तो हर्ट और डायबिटीज एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। तो वो सब काम करिए जो आप हर्ट के लिए करते हैं, माने हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट का एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, मेथी दाना खाइए, आंवला खाइए, अर्जुन छाल लीजिए। और ये आपको बताया जितने प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैंने कहा, घी बदल दीजिए, नमक बदल दीजिए, तेल बदल दीजिए, ये सब डायबिटीज के लिए भी लागू होंगे। जो हार्ट के लिए लागू होगा वो डायबिटीज, बस एक ही चीज लागू नहीं होगी, एकोनाइट। वो एकोनाइट सिर्फ हर्ट के लिए है, डायबिटीज के लिए लागू नहीं होगी, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं जो हर्ट में काम नहीं आएगी लेकिन डायबिटीज में ही काम आए, अब तक जो कॉमन थी वो मैं बता चुका हूं। अब एक्स्ट्रा चीज जो आपको लेनी पड़ेगी डायबिटिक पेशेंट को, वो क्या क्या है? आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले लेकिन बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जामुन एक फल आता है, बोटेनिकल नेम है उसका जम्बोले, हिंदी में हम सब कहते हैं जामुन। उस जामुन की गुठलियां मिलती है बाजार में, सूखी गुठलियां, उनका पाउडर बनाना है और वो पाउडर रोज एक चम्मच खाना है गुनगुने पानी के साथ, ये डायबिटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है। जामुन की गुठली का पाउडर बाजार में मिलता है, खुद भी बना लो। जामुन जब आती है तो खूब जामुन खा लो, गुठलियां सुखा लो, सुखा के कूट के पाउडर बना लो। तो डायबिटिक पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है, ये हर्ट के लिए नहीं है, डायबिटिक। सवेरे जो भी लेना है सवेरे एक चम्मच, और एक चम्मच माने टीस्पून, खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा, गुनगुने पानी के साथ लें चलेगा, जो पहली दफा सुबह उठते पानी पीना उसी के साथ ले, उसके साथ भी ले सकते हैं। जामुन की गुठली का पाउडर सवेरे के पानी के साथ लिया जा सकता है। और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा है, तो इसको दो बार कर लीजिए, सुबह और शाम। शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको, जब भी लेना,
तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। बाकी मेथी दाना आप ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, वो सब चीजें जो हर्ट के लिए ले रहे हैं वो तो है ही। ये एक्स्ट्रा है जामुन की गुठली का पाउडर। ये जामुन की गुठली के पाउडर के साथ और भी कुछ है जो ले सकते हैं, करेले के बीज का पाउडर। करेला है, उसके बीज निकाल के सुखा लीजिए, और या तो करेला ही छोटा छोटा पीस करके सुखा लीजिए, साल भर वो चलता है, उसका पाउडर बना के। तो जामुन की गुठली का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए, करेले का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए, ये मिक्स करके ले लीजिए। एक करेले दे बीज जेड़े खान नाल पीस के कहते हैं निगाह भी कट दी है, क्या होता है निगाह कम होती है? नहीं, करेले के बीज से देसी दवाइयों वाले बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं होती। बता रहा हूं अभी, आपके पास करेले के छोटे छोटे पीस हैं सूखे हुए, उनका यूज करिए। आपके पास जामुन की गुठली का पाउडर है, उसको यूज करिए। और अब इसमें चाहे तो नीम की निम्बोली, सूखी हुई निम्बोली बाजार में मिलती है, उसका भी पाउडर बना लीजिए, उसको भी आधा चम्मच ले लीजिए। तीनों मिलाकर डेढ़ चम्मच हो गया, जामुन की गुठली का, करेले का और नीम के निम्बोली का, तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट वाले ये कभी ना लें, ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए। और तीनों मिक्स करके लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अकेला भी लेंगे तो रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि जामुन की गुठली का रिजल्ट नहीं है, लेकिन जामुन की गुठली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीम का निम्बोली का भी पाउडर है, तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट। 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक, फिर 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक। जब आपको लगे कि आप सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो धीरे धीरे बंद करें। गुठली निकाल लें तो ठीक है, नहीं तो बिना निकाले ही पीसें उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये समझे कि मीठा खा सकता है सर? हाँ। अब ये सब लेने के बाद कोई डायबिटिक पेशेंट है, मैंने आपसे बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाइए, आदमी का बनाया हुआ मत खाइए, चीनी नहीं खानी, आदमी की बनाई हुई है, गुड़ भगवान का बनाया हुआ है। गुड़ क्या है ना, गन्ने के रस का है, गर्म करके ही तो आ जाता है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलावट नहीं है, और कुछ आदमी का दिमाग भी ज्यादा नहीं लगता। ये आदमी खतरनाक है सारी दुनिया में, ये अपना दिमाग जहाँ लगाता है वही सारी गड़बड़ करते हैं। हाँ खा लीजिए, देशी खांड खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए, आप जो है मिश्री खा सकते हैं, मिश्री भी पत्थर से ही आती है, मिश्री खा सकते हैं, देशी खांड खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं, शुगर नहीं। गाजर पाट बनाइए ना गुड़ में, स्टीविया ले सकते हैं, गाजर पाट बनाने तो गुड़ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हलवा बनाते ना गुड़ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है, शक्कर माने चीनी, शुगर गुड़ का पाउडर है, तो वो तो वही है जो गुड़ है, उसमें कोई अंतर। मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजें जो भगवान की बनाई हुई है जरूर लीजिए। क्यों लीजिए जान लीजिए, आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं उनमें ग्लूकोज है, भगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं वो सब फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज जो है ना इजीली डाइजेस्टेबल है, डायबिटिक पेशेंट भी उसको हजम कर लेगा तुरंत, और ये ग्लूकोज है, ये नहीं होता आसानी से। गुड़ भी कई तरह का आता है ना? हाँ, अभी गुड़ जब सेलेक्ट करना है तो आप एक ही उसका क्वालिटी देखिए कि उसका रंग जितना डार्क होगा गुड़ उतना ही अच्छा होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, ये पोडियम का कुछ कलर, ये पोडियम के कलर का गुड़ अगर लाएंगे डार्क, तो डार्क गुड़ जितना होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उसमें केमिकल उस उतने ही कम होंगे। और गुड़ जितना लाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का है, येलो कलर का, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वो गुड़ नहीं है, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर है। गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूध से उसको साफ करते हैं, तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क, और जो गुड़ को निर्मा वॉशिंग पाउडर से साफ किया जाता है वो एकदम व्हाइट होता है, एकदम येलो। तो आप जब भी गुड़ खरीदने जाएं तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो। वो कहेगा बाबूजी अच्छा नहीं है देखने में, तो उसने कहा देखने में खराब है लेकिन खाने में वही अच्छा है। तो आप गुड़ वो खा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हर्ट के लिए करते हैं वो सब करना है। एक्स्ट्रा जो मैंने बोल दिया, जामुन की गुठली का पाउडर है, या आपके पास नीम की निम्बोली का पाउडर है, या करेले का पाउडर है, ये एक्स्ट्रा है,
ये एक चीज है। और जामुन की गुठली का पाउडर जैसा ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन भी आता है, वो जामुन की गुठली से ही बनता है, आप उसका भी चाहे तो नाम लिख लीजिए, सीजियम जंबोले, सीजियम जंबोले, ये होम्योपैथी, SYZYIEUM, सीजियम जंबोलिन, JAMBOLIN, सीजियम जंबोलिन, SYZYIEUM, उधर में कुछ और लिखने वाला, SYZYIEUM, सीजियम जंबोलिन, JAMBOLIN, ये एक दवा है, इसके आगे लिख लेना मदर टिंचर, सीजियम जंबोलिन मदर टिंचर, ये दवा को पानी में मिला के पीना है जो डायबिटिक है उनके, 15 से 20 ड्रॉप, चौथाई कप गुनगुना पानी। अगर आपको जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिलता है तब ये दवा यूज कर सकते हैं, मिल रहा है तो ये दवा मत लाइए, क्योंकि ये दवा उसी से बनी हुई, 15 से 20 ड्रॉप, चौथाई कप गुनगुना पानी मिला दीजिए, हाँ, और सवेरे दोपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर लंच के आधा घंटे पहले इसको पीना, तो ये डायबिटीज के लिए करना। और डायबिटीज के लिए एक तो छोटी छोटी बातें और जरूर ध्यान रखनी है आपको, कि डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा, डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को, ये कंपलसरी है। आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए, 8-9 बजे भरपेट खाना खाइए, लंच करिए, और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास डिनर करिए, हाँ 8-9 बजे लंच, 4 से 5 के बीच में डिनर, ये कंपलसरी है। 5 का ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, 6 के आगे नहीं, 8 से 9, हाँ सुबह ही, सूर्यास्त होने के पहले और सूर्योदय होने के 1 घंटे के बाद आपका लंच हो जाना। बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है, जैसे फल आदि ले लीजिए, मूंगफली का दाना खा लीजिए, चना खा लीजिए, है क्या क्या एलडीएल नहीं, एचडीएल बढ़ाता है मूंगफली का दाना, एलडीएल बढ़ाने वाली चीजें तो है वो, जिनको मैं बोल चुका हूँ, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल। तो मूंगफली खाइए, चना खाइए, तिल खा लीजिए, तिल है, मूंगफली है, चना, तिल की बनी हुई कोई चीज खा लीजिए, चने की बनी हुई चीजें खा लीजिए, मूंगफली की चीजें खा लीजिए, उसके साथ 2-4 कोई फल लेने हैं तो फल ले लीजिए, जूस लेने से अच्छा है फल खा लीजिए उसके साथ। तो दोपहर को इस तरह से आपकी व्यवस्था करिए, सवेरे 9 बजे तक लंच भरपेट करिए, शाम को 4-5 बजे भरपेट डिनर करिए, जो भी डायबिटिक है उनके लिए, ये तो कंपलसरी है, बिना इसके आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते डायबिटीज। हाँ, अभी जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है उसको 90% तो चीजें कॉमन ही है, आपने सुन लिया है, कुछ ही चीजें हैं जो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको शाम को कर दीजिए, जो कॉमन है उनको सवेरे कर दीजिए, ऐसा करके आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।